गुड इवनिंग। टुडे इज 26 दिसंबर 2016। नाउ वी डिस्कस द इंडियन पॉलिटी। यह पहला चैप्टर है, ये डिफरेंट एक्ट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, द कॉन्टेम्प्रेरी जो एक्ट है हुआ है द ब्रिटिश केम्स। देखिए ब्रिटिश जो केम्स है, एक फर्स्ट चैप्टर है जो जो इंडियन पॉलिटी का। ओके, जो लक्ष्मीकांत जी का बुक है। ओके, द ब्रिटिश कम इन टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स। ओके, जो ब्रिटिश जो आए थे इंडिया में 1600 या जो 1600 में जो ट्रेडर्स के रूप में आए थे, इन द ईस्ट इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी व्हिच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग। जिसका था राइट ऑफ ट्रेडिंग का राइट था इंडिया के, इंडिया में अंडर द चार्टर ग्रांटेड ऑफ चार्टर जो ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ वन। जो चार्टर जो ग्रांटेड था क्वीन एलिजाबेथ जे, जो उन्होंने उन्होंने ग्रांटेड किया था पहले क्वीन एलिजाबेथ वन इन 1765 में। देखिए इन 1765 द कंपनी व्हिच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन। ओके, इन 1765 में द कंपनी जो थे व्हिच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस ऑब्टेंड द दीवानी। ओके, 1765 में द कंपनी जो था व्हिच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेंड बाई दीवानी। जिस टाइम पे हमने जिसका फंक्शन था दीवानी दीवानी देना पड़ता था, दैट इज राइट ओवर राइट्स ओवर रिवेन्यू रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। जहाँ पर राइट था रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस के लिए। ठीक है, दीवानी दीवानी का फुल फॉर्म क्या है? राइट्स राइट्स। देखिए दीवानी दीवानी का फुल फॉर्म क्या है? दीवानी का फुल फॉर्म था राइट्स ओवर कंपनी। देखिए राइट्स राइट्स ओवर रेवेन्यू, राइट्स था ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस के लिए। ठीक है, ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस के लिए राइट था। और बंगाल बिहार उड़ीसा कहाँ कहाँ का? बंगाल बिहार एंड उड़ीसा के लिए। दिस स्टार्टेड इट्स करियर दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज ए टेरिटोरियल पावर। जो स्टार्ट हुआ था टेरिटोरियल पावर के लिए इन 1858 इट इज इन द वेक ऑफ द सेपॉय म्यूटिनी In 1858, in the wake of Sepoy mutiny, the British Crown assumed direct responsibility. Assumed direct responsibility for the government of India के लिए direct responsibility था। This rule continued until India was granted independence। Okay, this rule उस रूल ने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया था, इंडिया के ग्रांटेड किया था इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947। ओके, व्हिच इंडिपेंडेंस केम इन द नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जो इंडिपेंडेंस हमने किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, एज सजेस्टेड बाय एम एन रॉय द पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। एम एन रॉय जो था पायनियर कम्युनिस्ट था मूवमेंट के लिए, किसका? एक पायनियर मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट ऑफ रेडिकल डिमार्केशन डेमोक्रेशन। ओके, एम एन रॉय ये पायनियर कम्युनिस्ट था मूवमेंट के लिए, कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ओके, एंड एडवोकेट रेडिकल डिमार्केशन इन 1934 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म इन दिस पर्पज में। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली था वो पर्पज वो फॉर्म हुआ था 1946 में ऑन जनवरी 26, 1950 में वो पास हुआ था फॉर्म। देखिए पहले क्या हुआ ना, ब्रिटिश 1600 में आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, एंड उसका राइट था ट्रेडिंग के लिए, एंड क्वीन एलिजाबेथ में वन ने वो चार्टर ग्रांटेड किया है इन 1765 में। देखो कंपनी जो प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन में प्योरली ट्रेडिंग कर रहा था और दीवानी दीवानी के लिए, दीवानी मतलब राइट्स वाद रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस के लिए बंगाल बिहार उड़ीसा में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। देखिए करियर ऑफ ट्रेड टेरिटोरियल पावर। ओके, 1858 में
इन द वेक ऑफ स्टिफो म्यूटिनी देखिए 1858 में क्या हुआ एंड द वेक ऑफ द स्टिफो म्यूटिनी जो है ब्रिटिश क्राउन एज्यूम किया ना डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। देखिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी था किसका ना गवर्नेंस ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी था द गवर्नेंस ऑफ इंडिया दिस रूल जो कंटिन्यूली अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस। ओके जो रूल हुआ है वो कंटिन्यू अंटिल इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15 में इंडिया ग्रांटेड हुआ था इंडिपेंडेंस कम द नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद हमने हमें कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था सो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे एमन राय जो ए पायनियर कम्युनिस्ट मूवमेंट था इंडिया के एंड एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिज्म के लिए। इन 1934 ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934 में क्या हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुआ था फॉर दिस पर्पस में एंड 1946 में जनवरी 26 में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आए थे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हैव देयर रूट्स इन द ब्रिटिश रूल। ओके जो वेरियस फीचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटी था जो हुआ है जो ब्रिटिश ब्रिटिश रूल में ब्रिटिश रूल को देखकर बनाया गया है। देयर आर सर्टेन इविडेंस इवेंट ऊपर जो सर्टेन इवेंट इवेंट इन द ब्रिटिश रूल सर्टेन रूल्स का दैट लेड जो लेड क्या कहाँ से आए जो सर्टेन रूल्स दैट लेड डाउन इन लीगल फ्रेमवर्क। ओके देखिए जो सर्टेन रूल्स है सर्टेन इवेंट्स हुआ है सर्टेन इवेंट इन ब्रिटिश रूल में लेड किया गया था लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश रूल का जो लेड डाउन किया था फ्रेमवर्क किसका था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑन ब्रिटिश इंडिया। ओके जो सर्टेन इवेंट ब्रिटिश रूल के जो लेड डाउन किया था एंड लीगल फ्रेमवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का फंक्शनिंग गवर्नमेंट ने फंक्शनिंग किया था एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इन ब्रिटिश इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया के। ओके जो ऑर्गेनाइजेशन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन का देख कर। ओके दिस इवेंट है ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया था जो इवेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया था कॉन्स्टिट्यूशन को एंड पॉलिटी को दे आर एक्सप्लेन हियर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें दिखाया इसको दिखाया दिखाएंगे। देखिए कंपनी रूल 1773 कंपनी रूल कैसे आए कंपनी रूल 1773 टू 1858 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 दिस एक्ट ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस एज। ओके दिस एक्ट ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल जो दिस एक्ट जो कंपनी रूल्स कैसे आए दिस एक्ट ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस एज इट वॉज फर्स्ट स्टेप्स टेकन बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो फर्स्ट स्टेप कौन लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टू कंट्रोल एंड रेगुलेट किया रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कंपनी इन इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नमेंट जो बहुत अच्छे से काम करने के लिए। देखिए दिस एक्ट ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस क्या इट वॉज फर्स्ट स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में काम करने के लिए। ओके बहुत अच्छे से तो कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो कंट्रोल कर सके अगर सबको तो इसलिए पहले एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट बनाए थे। ओके इट रिकॉग्नाइज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी इट रिकॉग्नाइज किया था कि फर्स्ट टाइम दैट द पॉलिटिकल जो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है ऑफ द कंपनी कैसे जो रिकॉग्नाइज किया था फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी का। ओके इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इट लेट किया गया कर रहा था इट लेट कर रहा था फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया का तो उसको देख देख दे, 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 दे उसको लेट किया था। ओके फीचर्स ऑफ दिस एक्ट इस एक्ट का मेन फीचर्स है इट इज डेसिग्नेटेड द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल डेसिग्नेट किया था गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एंड एक्सिक्यूटिव काउंसिल जो क्रिएट किया था एक्सिक्यूटिव काउंसिल को
फोर मेंबर्स टू असिस्ट हिम, फोर मेंबर्स असिस्ट करेगा इसको। एंड द फर्स्ट सर्च गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड विलिंग हस्ट वॉलिंग लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ओके देखिए इसको, देखिए कैसे इसको उन्होंने आए थे ट्रेड करने के लिए, पहले आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल्स बनाया था जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जो वो ट्रेड करेंगे यहाँ पर, रिकॉग्नाइज किया ना फर्स्ट टाइम जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ कंपनी, जो फर्स्ट फर्स्ट पॉलिटिकल उनका क्राइटेरिया का फंक्शन था, जो लेट कर रहा था क्या ना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया का, जो इंटर इंडिया जो जो फाउंड जो इंडिया का लेट करने के लिए काम कर रहा था। ओके फीचर उस एक्ट का मेन फीचर्स है, इट डिसाइडेड द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, जो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल है डिसाइडेड किया था उन्होंने, लिया था उसको। ओके एक्सेप्ट दे दिया था गवर्नमेंट जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएटेड एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ फोर मेंबर्स टू असिस्ट हिम। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड एवरिंग हेस्टिंग, जो पहले पहले गवर्नर जनरल था इंडिया ओके उस टाइम का। देखिए इट सेकेंड का, इट मेड द गवर्नर गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इट जो मेड कर रहा था, इट मेड गवर्नर बॉम्बे, गवर्नर बॉम्बे जो गवर्नर इट मेड कर रहा था काम कर रहा था गवर्नर बॉम्बे, इट मेड कर रहा था गवर्नर बॉम्बे को मद्रास प्रेसिडेंसी को सबॉर्डिनेट टू द गवर्नमेंटल ऑफ बंगाल। ओके गवर्नर जनरल टू सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अनलाइक अर्लियर व्हेन द थ्री प्रेसिडेंसीज वेयर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। देखिए जब थ्री प्रेसिडेंसी जो इंडिपेंडेंट था वन अनदर में वो ज्वाइंट था। देखिए थ्री क्या है, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो था, जो लॉर्ड हेस्टिंग जो पहले गवर्नर था, उन्होंने वो लेट किया रहा था किसके किसको, उन्होंने मेड कर रहा था बॉम्बे को, बॉम्बे गवर्नर बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को सबॉर्डिनेट जनरल ऑफ बंगाल को। वन द थ्री प्रेसिडेंसीज वेर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ओके जो एक अनदर वन अनदर ज्वाइंटली था, इंडिपेंडेंट था। इट प्रोवाइड किया गया था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो प्रोवाइड कर रहा था, जो प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, जो प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ एट कलकत्ता 1774, जो प्रोवाइडेड कर रहा था एस्टेब्लिश कर रहा था सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता में 1774 में। ओके कंप्राइजिंग द कंप्राइजिंग वन चीफ जस्टिस, जहाँ पर वन चीफ जस्टिस रहेगा एंड थ्री एंड अदर जज भी रहेगा, थ्री वन चीफ जस्टिस एंड वन अदर जज, तो थ्री जज रहेगा और रह सकता है वहाँ पर। इट प्रोहिबिटेड द सेवरेंस सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, जो प्रोहिबिट कर रहा था सर्वेंट कंपनी का सर्वेंट को एंड फ्रॉम एंगेजिंग एनी और इन एनी प्राइवेट ट्रेड में, इट प्रोहिबिट कर रहा है सर्वेंट्स को ऑफ द कंपनी को एंड फ्रॉम एंगेजिंग जो एंगेज था एनी प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स ऑफ ब्राइब्स, जो एक्सेप्ट कर रहा था प्रेजेंट्स ब्राइब्स को फ्रॉम द नेटिव्स, नेटिव्स को एक्सेप्ट कर रहा था। इट स्ट्रेंथेन द कंट्रोल, जो इट स्ट्रेंथेन कर रहा था टू द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्ट्रेंथन कर रहा था कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए ऑफ द कंपनी एंड रिक्वायरिंग द कोड ऑफ डायरेक्टर्स। इट स्ट्रेंथन कर रहा था किसके लिए, कंट्रोल कर गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए रिक्वायरिंग कोड ऑफ डायरेक्टर्स में, ओके गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, रिपोर्ट कर रहा था रेवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया में। इसके बाद देखिए, इसके बाद पीट्स, पहले हमने क्या जिसको डिस्कस कर लिया क्या ना रेगुलेटिंग एक्ट द कंपनी रूल्स 1773 से 1858। उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट इन 1784 इन ए बिड टू रेटिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पासेस द अमेंडिंग एक्ट 1781। रेटिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट रेटिफाई कर रहा था 1773 में द ब्रिटिश पार्लियामेंट जो पास कर रहा था अमेंडिंग एक्ट को 1781 में, ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको हमने क्या जानते हैं ना एक्ट ऑफ सेटलमेंट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वॉज पीट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्या एक्ट है 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट, फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या है, डिस्टिंग्विश क्या करेंगे बिटवीन कमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शंस को ऑफ द कंपनी। देखिए
देखिए 1773 में 1784 जो 1784 ऑफ द रिबेटिफाई करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास कर रहा था सेवनटीन एक्ट को 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अमेंडिंग एक्ट 1780 पास कर रहा था पास्ट एंड आल्सो एक्ट सेटलमेंट। उसके बाद आल्सो उसका हमने क्या जानते किया जाना कि उसको हमने जानते थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स क्या है ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1781 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आए हैं। ओके फीचर्स क्या है, इट डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी को, एंड डिवाइड कर दिया है डिस्टिंग्विश किया है पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन को। ओके ओके कमर्शियल मतलब ट्रेड, ओके ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ओके एंड पॉलिटिकल फंक्शन जो पॉलिटिक्स है उनका, तो उसको डिस्टिंग्विश कर दिया है कंपनी के फंक्शन फंक्शन कंपनी ने। इट एलोटेड द कोर्ट, इट एलोटेड द कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स, इट एलोट किया है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू अरेंज करेंगे टू मैनेज करेंगे द कमर्शियल अफेयर्स, बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी जो क्रिएट करेंगे न्यू बॉडी को बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेंगे करेंगे। ओके इट अलाउड कर रहा है क्या किसको, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इन द मैनेज ऑफ कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए अफेयर्स के, बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी जो क्रिएट कर रहा है न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स को। ओके कोर्ट डायरेक्टर्स मैनेज करेंगे किसको, न कमर्शियल अफेयर्स को, बट क्रिएट जो न्यू बॉडी क्रिएट कर रहा है न्यू बॉडी उसको कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सी डी करेंगे सी ए कमर्शियल अफेयर्स को, एंड कंट्रोल सी एम सी कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल बी सी करेंगे पॉलिटिकल पी ए के। ओके पॉलिटिकल अफेयर्स को पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल को। दस इट एस्टेब्लिश किया ए सिस्टम ऑफ डबल्ड गवर्नमेंट को, जो जो एस्टेब्लिश किया था इस सिस्टम को, एक सिस्टम को ऑफ डबल गवर्नमेंट का एक सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है। इट एम्पावर्ड थ्री देखिए इट एम्पावर्ड किया इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट को, जो इट एम्पावर किया था किसको, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एंड सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस को, सुपरवाइज एंड डायरेक्ट कर रहे हैं क्या, डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट को डायरेक्टली। इट एम्पावर कर रहा है किसको, इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इट एम्पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस, डायरेक्ट कर रहा है किसी ऑल ऑपरेशन को ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट को। ओके एंड टू और रिव्यू ऑफ द ब्रिटिश प्रोसेशन ऑफ इंडिया, देखिए इंडिया में ब्रिटिश ब्रिटिश जो ब्रिटिश का जो रूल ब्रिटिश का जो पावर है वो धीरे धीरे इम्पोर्ट कर रहे हैं। ओके बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एंड सुपरवाइज कर रहा है ऑल डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट को भी। द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजन्स, फर्स्ट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन प्रोसेशंस ऑफ इंडिया, देखिए ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया क्या है, देखिए द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज द फर्स्ट फॉर द टू रीजन, फर्स्ट द कंपनी जो टेरिटरीज है इंडिया में वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड उसको ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पोजेशनर्स पोजेशंस ऑफ इंडिया इन इंडिया, एंड सेकेंड क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वॉज गिवेन सुप्रीम कंट्रोल, सुप्रीम ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया है हमने क्या ना सुप्रीम कंट्रोल दिया है वो द कंट्रीज अफेयर्स अफेयर्स में एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद देखिए चार्टर एक्ट 1883 में चार्टर एक्ट क्या है, चार्टर एक्ट था द एक्ट वॉज फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ इन ब्रिटिश इंडिया, जो जो सेंट्रल कर सेंट्रलाइजेशन फाइनल स्टेप ब्रिटिश का जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल एक्ट था
फीचर्स क्या है? फीचर सब्जेक्ट इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उन्होंने मेड किया क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम एल ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, जो उन्होंने दे दिया है उनको मिलिट्री एंड सिविल पावर्स। द एक्ट वो क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो क्रिएट हुआ द फर्स्ट टाइम ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ए गवर्नर ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी फॉर द इंडिया टेरिटोरियल एरिया पास्ट। ओके देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हैविंग उसका क्या था अथॉरिटी, गवर्नमेंट इंडिया अथॉरिटी हैवी अबाउट द इंडिया टेरिटोरियल एरिया पॉसिड बाई द ब्रिटिश इन ब्रिटिश इन इंडिया, जो इंडिया टेरिटोरियल एरिया जो किसके द्वारा चालित हुआ था, जो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। ओके लॉर्ड विलियम बेंटिंक वो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके लॉर्ड गवर्नर जनरल था फर्स्ट, पहला पहला गवर्नर जनरल था, सॉरी इट डिफ्रैक्ट किया था, डिफ्रैक्ट गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इट डिफ्रैक्ट किया था, डिफ्रैक्ट उन्होंने डिफ्रैक्ट किया गवर्नर बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर। द गवर्नर जनरल जो है इंडिया का, उसको दिया क्या दिया है ना, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया है हमने फॉर द ब्रिटिश इंडिया, फॉर द इंटर ब्रिटिश इंडिया को। ओके द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट, द लॉज जो है वो मेड किस किस टाइम मेड हुआ है, मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड रेगुलेशन, जिसका हमने रेगुलेशन कहते हैं। वेल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट, जो वेल मेड जो लॉज जो मेड हुआ था अंडर दिस एक्ट में वेयर कॉल्ड एज एक्ट, जिसको अपने कहते हैं क्या एक्ट्स। देखिए तीन क्या है, इट इट एंडेड द एक्टिविटीज, जो एंड किया था एक्टिविटीज को ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इट एंडेड क्या किसको एंड किया था, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए कमर्शियल बॉडी की तरफ विच बिकम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो इट एंडेड किया था एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए कमर्शियल बॉडी की तरफ विच बिकम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। इट प्रोवाइडेड किया था दैट द कंपनी टेरिटोरी, कंपनी टेरिटोरीज है इंडिया के, इंडिया वेयर हेल्ड बाई इट, जो हेल्ड बाई इट। देखिए पहले के विलियम बेंडिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया है, रिफ्रेक्ट कर रहा था कहाँ पर, गवर्नर ऑफ बॉम्बे को एंड मद्रास को फॉर द लेजिस्लेटिव पावर को। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर या फॉर द इंटर ब्रिटिश इंडिया में, गवर्नर जनरल को इंटर ब्रिटिश इंडिया पावर दिया हुआ है। द लॉज जो मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट में वो इसको हमने रेगुलेशन कहते हैं। वन लॉज मेड अंडर द एक्ट वेरी वेरी लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वेर कॉल्ड एक्ट्स। इट एंडेड जो एंड किया था एंडेड द एक्टिविटीज को ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी में, कंपनी का इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी, जो कमर्शियल बॉडी है विच बिकम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। इट प्रोवाइडेड जो किया था कंपनी टेरिटोरियल इन इंडिया वर हेल्ड बाई इट, जो प्रोवाइड कर रहा था कंपनी को टेरिटोरियल इंडिया में जो हुए वर हेल्ड बाई इट, जो इसके द्वारा चालित हुआ था। इंटरेस्ट ऑफ द मेजर मेजेस्टी मोजेस्टी 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 हिज हियर्स एंड सक्सेसर्स। ओके सो उन्होंने उसके बाद उन्होंने सक्सेस हुआ है। द सेंट्रल द सॉरी द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ओके द चार्टर एक्ट 1833 का जो अटेम्प्ट किया था इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था ऑफ ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ था फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स के लिए। ओके एंड स्टार्टेड किया था स्टार्टेड दैट द इंडियन शुड नॉट बी डिफरेंट डिबार्ड, जो इंडियन डिबार्ड नहीं होगा फॉर होल्डिंग डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस। ओके ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। ओके हाउएवर दिस प्रोविजन वाज निगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स। ओके देखिए द चार्टर एक्ट जो 1833 में अटेम्प्ट हुआ है इंट्रोड्यूस हुआ था ये सिस्टम, उसके बाद ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ था सिलेक्शन सिविल सर्वेंट को सिलेक्शन करने के लिए, एंड स्टेटेड कर रहा था तो स्टेटेड दैट द इंडियंस जो है शुड नॉट बी डिवाइडेड, नहीं होगा
होल्डिंग एनी प्लेस, जहाँ कोई भी प्लेस में उनको होल्ड किया जाएगा, ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा अंडर द कंपनी, कंपनी के अंडर में। अगर दिस प्रोविजन वॉज नेगेटेड आफ्टर द पोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो उस प्रोविजन जो है वो नेगेटेड कहाँ से, कोर्ट ऑफ पोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में नेगेटेड हुआ है चार्टर एक्ट 1953 में। दिस वॉज दिस वॉज लास्ट लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट जो पास हुआ था, जो लास्ट सीरीज है 1953 जो पास हुआ था, जो पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो पास हुआ है। ओके जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ बिटवीन 1793 एंड 1853 में, जो किसका अंदर 1793 एंड 1853 के अंदर। ओके इट वॉज सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, लैंडमार्क एक और सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है, बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है। फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या है, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट सेपरेट किया था सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को। ओके लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया था। ओके तो उसके बाद देखिए सेपरेट कर रहा था लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नर जनरल काउंसिल को। इट प्रोवाइड्स किया, इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ सिक्स न्यू मेंबर्स, उन्होंने सिक्स न्यू मेंबर्स को ऐड किया है, उसको कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। ओके देखिए इसके फैक्ट का, इसके फीचर्स का क्या फीचर, इस एक्ट का क्या फीचर्स है, इन्होंने सेपरेट किया है फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को एंड ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल में। इट जो प्रोवाइड प्रोवाइडेड फॉर द एड, उन्होंने ऐड किया था सिक्स न्यू मेंबर्स को, उसको हमने क्या क्या दिया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। ओके टू द काउंसिल, काउंसिल में लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहते हैं उस सिक्स न्यू मेंबर्स को। ओके इन अदर वर्ड्स इट एस्टेब्लिश्ड ए सेपरेट गवर्नर जनरल, जो इन अदर वर्ड्स अगर इन अदर वर्ड्स में अगर देखा जाए तो उन्होंने एक सेपरेट गवर्नर जनरल और लेजिस्लेटिव काउंसिल को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, विच कम टू बी नोन एज द इंडियन। ओके जो इंडियन है नोन, जिसको हमने कहते हैं क्या, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको। ओके सेपरेट गवर्नर जनरल्स को उन्होंने जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हिच कम टू बी नो नोन एज द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल। ओके दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल, दिस लेजिस्लेटिव जो वेइंग ऑफ द काउंसिल काउंसिल फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट, जो मिनी पार्लियामेंट के काम करता है, अडोप्टिंग द सेम प्रोसीड्योर, जो अडोप्ट करते हैं सेम प्रोसीड्योर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में था तो ही उस सेम प्रोसीड्योर काम कर रहा था। दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जो लेजिस्लेशन था फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज ए स्पेशल फंक्शन, जो ट्रीटेड है कैसे था, ट्रीटेड एज ए स्पेशल फंक्शन में काम ट्रीटेड था। द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज ए स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, रिक्वायरिंग कर रहा था रिक्वायर स्पेशल मशीनरी, रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल स्पेशल प्रोसेस। ओके रिक्वायर कर रहा था स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। ओके देखिए यहाँ पर कहाँ क्या कहा ना, जो जो सेपरेट किया था फर्स्ट टाइम में, जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल सब काउंसिल में, जो प्रोवाइड एंड ऐड किया था सिक्स न्यू मेंबर्स को एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो इन न्यू अदर वर्ड्स इट इन अदर वर्ड्स में देखा जाए गया एस्टेब्लिश किया था सेपरेट गवर्नर जनरल्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अगर सेपरेट गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनका अपॉइंटमेंट किया है, विच कम टू बी नोन एज इंडियन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको हमने क्या कहते हैं ना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल फंक्शन एज ए मिनी पार्लियामेंट में तरह वो काम करते थे, अडॉप्टिंग सेम प्रोसीड्योर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया सेम प्रोसीड्योर एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में था वही उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। दिस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, जो स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट था वो ट्रीटेड किया कैसे, वो ट्रीटेड हुआ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ तरह रिकरिंग स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस। इट इंट्रोड्यूस किया गया, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन, जो इंट्रोड्यूस हुआ था ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम चालू हुआ हो गया ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स के लिए। कॉन्वेनेंटेड सिविल सर्विस वॉज दस थ्रोन ओपन टू बी इंडियन ऑल्सो, कॉन्वेनेंटेड सिविल सर्विस जो है जो थ्रोन कहाँ से जो थ्रो हुआ था थ्रोन ओपन और सिविल ओपन टू द इंडियन ऑल्सो,
इंडियन के भी लिए, इंडियन के लिए भी वो ओपन हो गया है अकॉर्डिंगली द मैकाउली मैक्यूली कमेटी जो है, द कमेटी ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस, मैकाउली कमेटी यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विस के लिए कमेटी, मैकाउली मैकाउली और मैकाउली मैकाउली कमेटी, मैकाउली कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन 1854 में अपॉइंट हुआ था। इट एक्सटेंडेड गया था एक्सटेंडेड कंपनी रूल जो एक्सटेंड हुआ था एक्सटेंडेड कंपनी रूल एंड एलोवेड अलाउड इट्स इट टू एंड जो अलाउ किया था इट टू रिटेन द प्रोसेशन दो अलाउड किया रिटेन टू रिटेन द प्रोसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज को एक्सटेंडेड किया करते कंपनी रूल को एक्सटेंड किया था अलाउड किया गया अलाउड इट टू रिटेन करेंगे प्रोसेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरीज को ऑन 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 द ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन में। ओके देखिए इट एक्सटेंड किया कर रहा था, इट एक्सटेंड द कंपनी रूल्स को एक्सटेंड कर रहा था एंड अलाउड कर रहा था इट इट टू रिटेन करेंगे क्या पोजिशन ऑफ द इंडियन टेरिटरीज को ऑन ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन को, बट इट 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 डिड नॉट स्पेसिफाई जो इट डिड नहीं कर रहा था स्पेसिफाई नहीं कर रहा था एनी पर्टिकुलर पीरियड को, अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स जो प्रीवियस चार्टर्स में था। This was a clear indication that the company's rule could be terminated as any time the parliament liked. The clear indication kya hai that the company's rule jo hai could be terminated at any time the parliament liked. Okay. It introduced for the first time a local representation of in the Indian legislative council. It introduced क्या गया ना for the first time local representation को of the India के Indian legislative council में of the six new legislative member जो है of the government general council का four members were appointed जिसको four member को appointed किया कहाँ पर local government में मद्रास बॉम्बे बंगाल एंड आगरा में एंड ओके ओके तो ये हुआ आज का ग्राम है। ओके सो दिस द कंप्लीट टॉपिक्स चार्टर एक्ट। ओके सो आई थिंक इट विल बी हेल्प टू यू फॉर योर सक्सेस। सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 में हुआ था। ओके